हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो ये है मेरा 10वां दिन और 10वां ब्लॉग। तो गुड मॉर्निंग इंटरनेट, मैं हूँ स्वाधीमान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो अभी, ठीक है। और अभी जस्ट मैं उठा था, अपना व्लॉग ख़त्म किया, जो एडिटिंग वगैरह अपलोडिंग वगैरह था वो सब ख़त्म किया। अभी हम खा रहे खीर, बस यही बताना था। टेस्टी है ना? तो भाई सीन अभी ऐसा है कि पता नहीं मुझे क्या चल रहा है। अरे यार, समझ ही नहीं आ रहा है। आज मेरे को जाना तो था करोल बाग, पर थोड़ा इशू पड़ रहा है भाई। अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि जो मैंने करोल बाग बोला हूँ, मैं किस लिए जा रहा था मैं बताता हूँ। पहले तो पहले ये सीन है कि मेरे को रैप कराना है अपनी बाइक। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि स्मोक, पीपीएफ, नॉर्मल ट्रांसपेरेंट वाली चीजें ना कराए। अपना क्रोम जो है वो अच्छा है, तो उसको थोड़ा और अच्छा बनाया जाए। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को क्या कराया जाए। फिलहाल मेरे दिमाग में एक कलर है तो, और वो सेक्सी लगेगा। कई लोगों को वो चीज अच्छी नहीं लगेगी, तो पहले रेडी होते हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ शिवांग के पास, कुछ काम है जो डाटा ट्रांसफर किया था वो भी है और दूसरा काम भी है। तो पहले शिवांग के पास चलते हैं और बाइक का जो पीपीएफ वाला काम है, जो रैप वगैरह वाला काम है, वो बाद में कराएंगे, कोई इशू नहीं है। कैसे हो जी? सब ओके जी? एक्चुअली अभी मैं बाइक लेके निकल गया, मैं कुछ बात करने वाला था यार, मैं भूल कैसे जाता हूँ चीजें यार। हाँ, रैप के बारे में। तो रैप का एक डिजाइन है तो मेरे पास, पर सही लगेगा नहीं लगेगा पता नहीं, इस वजह से मैं अभी जा नहीं रहा करोल बाग। पहले एक बार कंफर्म हो जाएगा ना तो कराना ठीक है, अभी तो नहीं चलेगा यार ऐसे। तो मोटो ब्लॉग में आपका स्वागत है गाइस, मोटो ब्लॉग में। और हिमालयन भाई, देख हिमालयन बाइक है तो कमाल भाई, पर अपनी बाइक के आगे फीकी है। मतलब देखो यार, इतनी जल्दी एक कंपनी पर ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पाता जब वो नया इंजन एक डेवलप करती है। तो अब सोचो, ये इतने टाइम से ऑयल कूलर चलता आ रहा है रॉयल एनफील्ड के अंदर, ज्यादातर बाइकों में ऑयल कूलर ही था, ठीक है। जितनी भी बाइकें थी, क्लासिक 350 में नहीं था, वो एयर कूल था। बाकी हिमालयन हो गई, 500 सीसी वाली हो गई, जीटी हो गई, ठीक है, सुपर मीटियोर हो गई, तो इन सब में ऑयल कूलर आया है। पहली बार एक कंपनी ने लिक्विड कूल इंजन बनाया है, तो थोड़ा बहुत तो रिस्की है अगर तुम बाइक करना चाहते हो। बाइक बहुत अच्छी लगी मुझे, पहली राइड ही बहुत ज्यादा अच्छी लगी, और अभी तक किसी बंदे के पास आई नहीं है वो नॉन में मेरे, जो मेरे को एक अच्छी खासी राइड दे पाए उस बाइक की, समझ रहे हो। पुरानी हिमालयन तो है मेरे नॉन में, पर नई वाली हिमालयन अभी तक आई नहीं है। शोरूम वालों से मैंने बात करी, अगर वो मेरी राइड स्पॉन्सर कर देते हैं तो ऑफकोर्स मैं एक हिमालयन पे एक लॉन्ग राइड पे जा सकता हूँ। हाँ, मैं बात कर रहा था इंजन के बारे में। देखो, कोई कोई कंपनी जब एक्सपेरिमेंट करती है लोगों को लेके अपने सामान पे, तो वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। अब जैसे हिमालयन में लिक्विड कूल इंजन आया, अगर उसकी परफॉर्मेंस पहले जैसी नहीं रही, मतलब समझ रहे हो, अभी टेस्ट राइड की बात अलग होती है, एक एड वगैरह की बात अलग होती है, कोई रिव्यू कर रहा उसकी बात अलग होती है। जब एक नॉर्मल यूजर के पास कोई सामान जाता है ना, और उसके पास एवरेज एवरेज सामान चल रहा है 4-5 लाख रुपए देने के बाद, तो वो मजा नहीं आता है, ठीक है, और सारा का सारा पैसा डूब जाता है। उसके बाद कंपनी पीछे भी नहीं हट सकती, क्योंकि लिक्विड कूल इंजन भाई मजाक नहीं है, लगभग सारी बाइकों में आ रहा है। जितनी भी बाइक है सब में लिक्विड कूल इंजन है, सिर्फ एक रॉयल एनफील्ड ही थी जिसमें ऑयल कूलर इंजन आ रहे थे। तो देखो, है तो सही चीज, मैं जितना बोलना चाहूंगा है सही चीज, उन्होंने अच्छा किया लिक्विड कूल इंजन लाने के बाद, अच्छा तो किया है। पर देखते हैं कि कितना कामयाब होता है और कितना नहीं होता है, कोई आइडिया नहीं है मेरे को इसको लेके। अगर कामयाब हुआ तो भाई रॉयल एनफील्ड के लिए बहुत ही बड़ा थम्स अप है भाई, ठीक है। और अगर कामयाब नहीं हुआ, ये लिक्विड कूल इंजन वैसी परफॉर्मेंस नहीं दी जैसी एक्चुअली बाइक देती है रॉयल एनफील्ड की, क्योंकि मैं काफी टाइम से यूजर हूँ रॉयल एनफील्ड का ना, मुझसे ज्यादा यूज करके बैठे हैं रॉयल एनफील्ड को, और मैं यूजर हूँ तो मैं यूजर हूँ, समझ रहे हो। मेरे को पता है मेरी बाइक कैसी है, कहाँ तक जाएगी, क्या परफॉर्मेंस है, कैसी बिल्ड क्वालिटी है, कितनी हार्ड है, कब तक मैं खींच सकता हूँ, तो सारी चीजें मेरे में कंट्रोल में है। एक लिक्विड कूल इंजन आने के बाद सारी की सारी चीजें टेक्निकल हो गई है। हीटिंग इशू, चलो हीटिंग तो अभी इंजन बहुत रेयर करते हैं जब लिक्विड कूल होते हैं। तो देखो, डायरेक्टली मेरा ये कहना है कि भाई लिक्विड कूल इंजन एक एक्सपेरिमेंट किया है रॉयल एनफील्ड वालों ने, नया इंजन लेके आया मार्केट में अपनी बाइक के अंदर, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर तुम बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो भाई, मधुविहार सेक्टर 3 द्वारका, वहां पे जाके लवली जी मिलेंगे, तुम्हें नंबर मैं नीचे दे दूंगा। अगर तुम्हें बुकिंग भी करानी है तो डायरेक्टली कॉल करके बुक कर सकते हो, और मेरा नाम लोगे तो तुम्हें अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा भाई बाइक पे। इतनी पहुंच तो हो गई है अब हमारी कि वो लोग तुम्हें डिस्काउंट दे देंगे हमारे नाम पे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, और अगर नई हिमालयन ले रहे हो तो भाई बेस्ट ऑफ लक और कॉन्ग्रेचुलेशन पहले एडवांस में जो जो लेने वाला है, ठीक है।
अब करते हैं कंटिन्यू। काफी लंबी बात हो गई, ये समझाने में ना काफी टाइम चलेगा। तो भाई सीन अभी ऐसा है कि हम बात कर रहे थे अपनी नेपाल राइड के बारे में, मतलब ये रिव्यू बना रहा है नेपाल राइड के बारे में। तो मैंने सोचा कि साथ साथ मैं अपने व्यूवर्स को भी बता ही देता हूँ, क्योंकि मैंने बताया नहीं आने से पहले ना। सेट करना? नहीं आने के नहीं, सही आ रहा होगा यार फ्रेम। आई ट्रस्ट माई सेल्फ। अच्छा, योर सेल्फ और योर कैमरा? योर सेल्फ, कैमरा तो हाथ में ना। माई सेल्फ ब्रो, माई सेल्फ, सॉरी। अबे यार फक ब्रो। हाँ तो हम बात कर रहे थे नेपाल राइड के रिव्यू के बारे में, मतलब भाई पूछ रहा था कि क्या क्या सीन है, क्या क्या हुआ। तो मेरे को याद आया कि मैंने अपने व्यूअर्स को भी नहीं बताया, मैंने आके एक बनाया ही नहीं रिव्यू, तो आज वही कर लेते हैं भाई, क्योंकि कुछ करने के लिए है नहीं हमारे पास। तो ये कुछ करने के लिए बेटे जो बोल के बुलाया है ना वो जाना है वहां पर। तो भाई ये है, ये वीडियो, ये क्लिप मैं भी यूज कर लूंगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई क्यों, अबे दोनों फोन लगाएंगे ना? क्यों क्यों? अबे इसलिए अच्छा कंटेंट बनेगा ना भाई, फिर दोनों की क्लिप शेयर कर लेंगे आपस में। तो यही तो कह रहा हूँ, क्लिप शेयर कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, एक से शेयर वो मजा नहीं आएगा। चलो करते कैमरा सेट करते पहले, उसके बाद मजा आएगा। पीस आउट। तो भाई सीन ऐसा है कि भाई हमारे नेपाल गए थे, और नेपाल का पूरा मेरे को एक बार एग्जैक्ट ब्रीफ बताओ कि भाई कितना टोटल आपका पैसा लगा। देख मैंने जो बजट लगाया था ना अपना, वो मैंने बजट लगाया था अपना 22,000 कि मेरे को 22,000 में, वैसे 20 था पर 2,000 रुपए कैश लेके गया था एक्स्ट्रा फालतू, क्योंकि सारा गूगल पे था मेरे पास ना। तो वो सीन ऐसा था कि मेरा बजट था 22,000 का, कि 22,000 में मेरे को पूरी ट्रिप करनी है। फिर घर आके जो बजट मैंने लगाया, मतलब जो टोटल किया, उसमें आया 28,000 रुपए। तो 28,000 रुपए मेरा पूरा बजट आया था, आना जाना 4,000 किलोमीटर, रहना वहना सब कुछ, सब कुछ ठीक है। और पेट्रोल, मतलब पेट्रोल बाइक कितनी माइलेज दे रही थी? 20 की। 20 की माइलेज? हाँ। पहाड़, मतलब पहाड़ थे वहाँ पर ऐसे? तूने व्लॉग नहीं देखे क्या मेरे? वहाँ रास्ता नहीं था, पहाड़ की बात कर रहा है। मैंने तो देखे, देखो क्योंकि टाइम नहीं मिला, वैसे तो मैं देख ली। देख लियो सीरीज, तू भी देख लियो एक बार, बहुत अच्छी सीरीज बनाई, आप लोग भी देख लो। और इसके व्यूवर्स नीचे लिंक मिल जाएगा, वो भी देख लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल, प्लेलिस्ट बना रखी मैंने नेपाल राइड की, और बहुत ही ब्यूटीफुल राइड। यहाँ से कहाँ निकले थे पहले? यहाँ से तो लखनऊ गए थे पहले? नहीं, लखनऊ में रुका था। हम यहाँ से गए थे पहले, यहाँ से हमारा था वो रक्सौल, रक्सौल जाने का प्लान। रक्सौल में जाके हमें क्या सीन था, रक्सौल में अनिल भैया के कोई फ्रेंड थे, उनसे मिलना था, वो बुला रहे थे काफी टाइम से, तो हम इसलिए रक्सौल की साइड से गए, वरना हम सलोनी बॉर्डर से था। ज्यादा उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, 150-200 किलोमीटर का डिफरेंस है बस। यहाँ से रक्सौल गए, रक्सौल से कहाँ? यहाँ से गए हम रक्सौल, हमारा प्लान जो था वो था रक्सौल, पर मैं लखनऊ रुक गया था, बताया था तेरे को। और उसके बाद हम गए थे रक्सौल से, हमने एंट्री ली थी नेपाल की साइड, फिर हम गए थे दमन, रक्सौल से डायरेक्ट दमन गए थे हम। फिर दमन से हम गए थे काठमांडू थमिल, काठमांडू जैसे द्वारका है और थमिल सेक्टर 12। अच्छा, ऐसी चीज है वो, मतलब काठमांडू के अंदर ही आता थमिल। तो थमिल गए थे हम, थमिल में हम रुके थे एक दिन और अगले दिन, हाँ 2 दिन रुके थे हम थमिल में। नहीं बम्मी रहा था बस मेरे, मतलब अगर तूने व्लॉग देखा होता ना तेरे को पता होता कि मेरी भाई बाइक ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है ना, कसम कॉन्टिनेंटल जीटी, ओ माय गॉड। और अगर तुम जा रहे हो भाई कॉन्टिनेंटल जीटी लेके, तो अपने भरोसे ही जाना, किसी के भरोसे मत जाना भाई। 250 किलोमीटर तक कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं ब्रो। अच्छा तुम तो टैंक भी वो लेके गए थे? जेरिकन, जेरिकन, पेट्रोल आदमी नहीं दिख रहा भाई दूर दूर तक। पेट्रोल कितने का था जो तू बता रहा था? 220 रुपए पर लीटर। 220 उसका, उसका इंजन देख, इंजन बचा हुआ है, पंच है पंच। चलो भाई अभी हम आए हैं स्टूडियो। हाँ हम आए हैं क्योंकि यहाँ स्टूडियो बस तो हो गया, बना लिया बना लिया, हो गया। तो भाई अभी हम आए हुए हैं रेडिसन द्वारका सेक्टर 13, और ये मेरा फोन है, ये लूसी का फोन है, दोनों से ब्लॉक कर रहा हूँ, अजीब लग रहा है तो एक बंद कर रहा हूँ। और अभी हम जा रहे हैं स्टूडियो, स्टूडियो बस ऐसे जीन्स वगैरह लेने के लिए। भाई का कुछ प्लान बना एकदम से, तो अपन चले पूरा पूरा भाई स्टूडियो। तो सीन ऐसा है भाई, आज बहुत बातें हुई है भाई, बहुत ज्यादा बातें हुई है। स्टूडियो भी गए थे, जीन्स वगैरह लेनी थी, वो सब चीजें लूसी के व्लॉग में तुम लोगों को पता चलेगी। और अभी घर आया था, एडिट वगैरह कर रहा था, अपलोडिंग करना है भाई, डेली व्लॉग चल रहा है, कल संडे है तो संडे राइड करेंगे, और ये 10वां व्लॉग था मेरा। तो बस फिर बातें बहुत ज्यादा हुई है, मैं वो सब चीजें नहीं दिखा सकता। और जो नेपाल राइड के बारे में जो रिव्यू की बात करी गई है, वो भी लूसी के व्लॉग में मिलेगा तुम लोगों को। तो अपने व्लॉग में इतना ही रखते हैं आज के लिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब मार दो। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और ख्याल रखें अपनों का अपना। बाय बाय। और लूसी का व्लॉग का चैनल का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, जब इंटरव्यू आएगा तब मैं वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, अभी फिलहाल उसके चैनल का वो है लिंक, ठीक है, तुम लोग जाके चेकआउट कर सकते हो भाई एक बार। बाकी थैंक यू सो मच, पीस आउट।